अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये 8th क्लास का कंप्यूटर का पेपर है और ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे नोट किए हैं। तो जब आप कंप्यूटर के पेपर की तैयारी करें तो आपने ये वाले क्वेश्चन लाजमी याद करने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं और बाकी नहीं करने। आपने और भी क्वेश्चन याद करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके 10 वर्जन होते हैं और डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आपने और भी क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन लाजमन करने हैं और अच्छी तरह करने हैं। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने साथ में याद करने हैं। मैं आपको कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ गूगल शीट। गूगल शीट के 4 फीचर्स बताने हैं, यानी 4 खसूसियात बतानी हैं। इसके अलावा ये राइट डाउन स्टेप्स टू ओपन गूगल शीट, गूगल शीट को ओपन करने के स्टेप के कैसे हम गूगल शीट ओपन करते हैं। नंबर 3 है, राइट एनी 3 स्टेटमेंट यूज्ड इन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में कौन सी 3 स्टेटमेंट यूज़ होती हैं वो लिखनी है। राइट द टाइप्स ऑफ फ्लो एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हम जब फ्लो एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके जो है ना वो आपने टाइप्स लिखनी है। विच ऑपरेटर आर यूज इन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लूप। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल लूप एंड कॉम्प्लेक्स लूप एंड व्हाट इज सिंपल लूप, हाउ टू क्रिएट सिंपल लूप इन स्क्रैच। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपने इनको लाजमी याद करना है। इसके अलावा मैं कुछ एमसीक्यूज भी आपको बता देती हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनका मैंने सिर्फ सही आंसर लिखा है तो आपने ये याद कर लेना है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, इसका आंसर है न्यू टेक्नोलॉजी। नंबर 2 है, ऑनलाइन मार्केटिंग इज आल्सो नोन एज ए डिजिटल मार्केटिंग। अ फॉल्टी ईमेल दैट अपीयर्स टू बी ऑथेंटिक फ्रॉम अ ट्रस्टेड ईमेल आईडी, इसको ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। नंबर 4 है, द बेस्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन MS Excel इज, आंसर है चार्ट्स। और उसके बाद नंबर 5 है, अ सेल्फ ड्राइविंग कार इज आल्सो नोन एज ए ऑटोनोमस व्हीकल। नंबर 6 है, द चार्ट्स आर कॉमनली यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ डाटा। नंबर 7, चार्ट्स आर कॉमनली नोन एज ए ग्राफ्स। 8वां है, इन MS Excel द स्पेलिंग कमांड इज कंटेंड रिव्यू टैब, यानी स्पेलिंग कमांड किस में होती है, रिव्यू टैब पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर MS Excel है। नंबर 10 है, द नंबर ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिथम 4 होते हैं, 4 रूल्स होते हैं एल्गोरिथम लिखने के। नंबर 11 है, द कॉलम इन वर्कशीट आर आइडेंटिफाइड अल्फ़ाबेट। वर्कशीट के अंदर जो कॉलम होते हैं वो अल्फ़ाबेट के जरिए, ABC के जरिए रिप्रेजेंट होते हैं। और 12 है, डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एल्गोरिथम डिज़ाइन। नंबर 13 है, हेल्टिंग प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज ए डिसीजन प्रॉब्लम। नंबर 14, इन स्प्रेड शीट द लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट कॉलम। नंबर 15 है, द पावरफुल सॉफ्टवेयर फॉर कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ डाटा डेटाबेस, इसका आंसर है। और 16 है, द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड्रॉयड। नंबर 17 है, द नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम मैनी, यानी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नंबर 18 है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर अर्थमेटिक मीन इज एवरेज। क्वेश्चन नंबर 19 है, द नेम ऑफ स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय एपिच, ओपन ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल एनवायरनमेंट ई लर्निंग। 21 है, द स्क्रैच लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय MIT मीडिया लैब। 22, बोलियन वेरिएबल ऑलवेज डिस्प्ले देयर वैल्यू 0 और 1 से। 23 है, अ टास्क फॉर विच यू डोंट नो द सोल्यूशन एंड टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। 24 है, अली वॉन्ट्स टू प्रिंट आउट 4 टाइम्स टू मेक अ ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म स्क्रैच, ही विल यूज कलोनी। यानी स्क्रैच में वो एक ही कैट को अगर 4 टाइम उसका प्रिंट लेना चाहता है तो क्लोनिंग करेगा। 25 है, अ लोगो दैट इज लीगली रजिस्टर्ड टू रिप्रेजेंट अ कंपनी इज ट्रेडमार्क। नंबर 16 है, द टाइप ऑफ पेड सर्च इन विच यू ओनली पे व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एडवर्टीजमेंट इज, तो इसका आंसर है PPC। 27 है, अ स्टेटमेंट दैट कनेक्ट बेनिफिट कस्टमर
गेट फ्रॉम डूइंग बिजनेस विद यू, वैल्यू प्रपोजिशन प्रपोजिशन। उसके बाद 28 है, लैक ऑफ प्राइवेसी इज द मेन चैलेंज ऑफ सोशल मीडिया। ये कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs हैं। नंबर वन है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज रेफर्ड एज ए न्यू टेक्नोलॉजी। नंबर टू है, चैटबॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर थ्री है, अ सेल्फ ड्राइविंग कार इज ऑल्सो नोन एज ए ऑटोनोमस व्हीकल। नंबर फोर है, द एप्लीकेशन आर दोज विच ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल डिफरेंट कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड। नेटवर्क विद अ स्मॉल जियोग्राफिकल आर कॉल्ड लैन। इसका सही आंसर है लैन। नंबर सिक्स है, डैश इज अ सब कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है GPS। उसके बाद नंबर सेवन है, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी। उसके बाद नंबर एट है, इन द डैश नेटवर्क कंप्यूटर्स आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड। तो इसका सही आंसर है वैन, ऑप्शन बी ठीक है वैन। उसके बाद नंबर नाइन है, फंक्शन आर फार्मूलाज विद अ नेम। इसका सही आंसर है नेम। नंबर टेन है, एक्सेल कम्स विद अ बिल्ट इन फंक्शन। फंक्शन इसका सही आंसर है, विच आर प्रीफ डिफाइंड फार्मूलाज। उसके बाद नंबर इलेवन है, इन अ सेल बिगनिंग ऑफ फार्मूला। इसका सही आंसर है इज इक्वल टू डी ऑप्शन। नंबर बारह है, द इफ़ फंक्शन इज़ यूज टू टेस्ट इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इन अ वर्कशीट इज़ ट्रू। ऑप्शन डी ठीक है। गूगल शीट इज़ अवेलेबल इन 83 languages। नंबर 14 है, वी कैन यूज़ शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 टू क्रिएट न्यू शीट। नंबर 15 है, दे लॉन्च गूगल शीट एज ए पैक ऑफ जी सूट इन 2006। ऑप्शन डी ठीक है। नंबर 16 है, डाटा ग्रिड सेव एंड प्रोसेस डाटा इन कॉलम एंड रोस एंड अलो यू टू डू। तो ये डाटा ग्रिड इसका सही आंसर है। नंबर 17, फोकसिंग ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट डिटेल वाइल इग्नोरिंग इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एब्स्ट्रक्शन। नंबर 18 है, देयर कैन बी ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप सिंबल इन अ फ्लो चार्ट। तो इसका सही आंसर वन है। नंबर 19 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CT। तो CT का मतलब है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। नंबर 20 है, नेस्टिंग इज द प्लेसमेंट ऑफ वन सब्जेक्ट विद एन अदर ऑब्जेक्ट। नेस्टिंग सही आंसर है। नंबर 21 है, अ लूप एंड अ कंडीशन आर कंबाइंड इन द रिपीट अनटिल ब्लॉक। उसके बाद नंबर 22 है, टेक्स्ट टू स्पीच इज टू यूज टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू स्पीच फ्रॉम स्क्रैच। नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इन ईच स्क्रैच प्रोजेक्ट। कि इनमें से कौन से हैं जो स्क्रैच प्रोजेक्ट में होते हैं। तो ये सारे होते हैं, स्प्राइट भी होती है, स्टेज स्क्रिप्ट सब कुछ होता है। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। उसके बाद है नंबर 24, अ डिजिटल फुटप्रिंट इज आल्सो नोन एज ए डिजिटल डोजियर। 25 है, स्पैमिंग रेफर्स टू सेंडिंग एन ईमेल फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड सोर्स। 26 है, क्राइम दैट आर कमिटेड थ्रू इंटरनेट आर कॉल्ड साइबर क्राइम्स। 28 है, स्टडिंग फ्रॉम होम थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड ई लर्निंग। नंबर 28 है, एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू कन्वीनियंस बिजनेस। नंबर 20, रेपुटेशन मार्केटिंग फोकस ऑन गैदरिंग एंड एंडोर्सिंग पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यूज। तो नंबर 30 है, द एक्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर इज रेफर टू एज ए। तो इसका सही जवाब है एग्रीमेंट। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।